गाना जो हम शूट कर रहे हैं हीरोइन के इंट्रोडक्शन है फिल्म में, और टाइटल सॉन्ग है। हाँ, फिल्म का टाइटल यही है, हसीना। लड़की का नाम है हसीना, और हर एक लड़की जो होती है चाहती है कि वो हसीन हो, खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, सेक्सी हो, और कुछ हद तक डेंजरस भी हो, ताकि लोग उनके सामने आने से पहले सोचे। तो यही है लड़की जो है इस फिल्म में। बहुत कैरेक्टर स्केच बता रही हूँ मैं, कि एक एम्बिशियस लड़की है जो एक कॉर्पोरेट हाउस में काम करती है, और बहुत स्ट्रगल किया है उसने लाइफ में, और शी इज़ अ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग गर्ल। अपने एम्बिशंस के बीच में किसी को या किसी चीज़ को आने नहीं देंगी, ऐसा कैरेक्टर है। और कैसे वो कुछ चॉइसेस करती है अपनी लाइफ में, और उसके चॉइसेस की वजह से यू आर व्हाट यू आर फ्रॉम द चॉइसेस यू मेक। सो वही है फिल्म, कि उसके साथ क्या होता है और कैसे पछताती है या नहीं पछताती है, उसके लाइफ में क्या उसे मिस होता है। देयर इज अ लव ट्रायंगल इन द फिल्म। एक तो ये कि ये एम्बिशियस लड़की जो बहुत ही टुडे लगा मुझे, ये इट्स वेरी मच व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। वी हैव अ लॉट ऑफ वुमेन हु वुड नॉट लेट एनीथिंग कम देयर वे एंड यू नो रीच वेयर एवर दे वांट टू देयर गोल्स। इफ दे हैव थॉट ऑफ समथिंग दे विल मेक श्योर कि दे रीच व्हाट दे थॉट फॉर देमसेल्व्स। तो मुझे लगा कि ऐसे एक स्क्रिप्ट करनी चाहिए विच पीपल कैन रिलेट टू। आज की जो यूथ है, आज की जो ऑडियंस है, आज का जो टाइम है, उस हिसाब से ये स्क्रिप्ट कुछ जेल होती है। सो आई थॉट मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट पट्टू पारेख इज देयर स्क्रिप्ट, एंड पट्टू पारेख जो हैं उन्होंने बहुत ही सुपरहिट फिल्में दी हैं, तो मुझे लगा शायद एक अच्छा मौका है उनके साथ काम करने का। हाँ, ये फिल्म इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें सारा ऑलमोस्ट सारा जो वेट है वो मेरे शोल्डर्स पे है, बिकॉज इट्स अ हीरोइन ओरिएंटेड स्क्रिप्ट। लेकिन मेरे लिए हर एक फिल्म में जो मैं काम करती हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, भले तीन सीन का रोल हो या उल्टा। जब तीन सीन के परफॉर्मेंसेस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है कि उस तीन सीन्स में पीपल शुड लव यू एंड लाइक यू एंड दे शुड फील लाइक सीइंग यू मोर। तो फॉर मी ऐसा कोई भी एक ऐसी फिल्म नहीं है कि दिस फिल्म इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर मी और दैट फिल्म। एवरी फिल्म, इवन व्हेन आई हैव डन सॉन्ग्स, ओनली सॉन्ग्स, व्हेन इट वाज खलास, व्हेन इट वाज इश्क समुंदर, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि आप जो भी करो उसमें पीपल शुड, द ऑडियंस शुड लाइक यू, योर फैंस शुड लव यू। ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ा रोल है तो सिर्फ ये पिक्चर में लोग आपको पसंद करें, इसमें छोटा रोल है तो चलेगा अगर इफ दे डोंट लाइक मी। आई नो आई एम नॉट फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट। देखिए, जिस टाइप की फिल्में बन रही हैं उसी टाइप की फिल्में हम करेंगे। हम 1960 की फिल्म तो नहीं कर सकते 2004 में। जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बना रहे हैं और अगर काम करना है तो वैसे ही करेंगे। एक्स वाई जेड, अगर एक्टर एक्स वाई जेड हो, 1, 2 एंड 3, इट डिपेंड्स ऑन देम कि अगर एक्स फिल्म करनी है मिस एक्स को तो वो करेगी, नहीं करनी है तो नहीं करेगी, यू नो इट। बट जो जॉनर बन रहा है, यू ऑब्वियसली डू ओनली दोज काइंड ऑफ फिल्म, बिकॉज उसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो अब क्या करें, यू कैंट सिट एट होम।